इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म uh, तो मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये जो है बहुत ही बहुत इजी चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है और इसका एप्लीकेशन फिर हम आ, आगे देखेंगे तो इसमें बस थोड़ा बहुत एप्लीकेशन है करेंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने एक चीज पढ़ा था गैलोनोमीटर जो कि एनसीआरटी के अकॉर्डिंग में है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ़ करंट में तो इसको स्टार्ट करते हैं जैसे तो सबसे पहला जो है सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो था वो ऑब्जर्वेशन ओस्टेड एक साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि, कि किसी भी अगर करेंट कैरिंग वायर कोई भी करेंट कैरिंग वायर है उस करेंट कैरिंग वायर के अराउंड कंपास निडिल अगर वो प्लेस कर रहे थे तो उस कंपास निडिल क्या है कंपास निडिल एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल है जैसे हमारा बार मैग्नेट होता है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो है वो दो चार्जेस होते हैं एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है और वो किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में काफी सिमेट्री है दोनों जो है सिमेट्रिकल होते हैं यहाँ पे भी जो डाइपोल होता है मैग्नेटिक डाइपोल वो मैग्नेटिक डाइपोल में मैग्नेट होते हैं मैग्नेट के पोल्स होते हैं साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल तो जो साउथ पोल है उसको हम ट्रीट करते हैं नेगेटिव मैग्नेटिक मोनोपोल नेगेटिव मैग्नेटिक मोनोपोल और नॉर्थ पोल को पॉजिटिव मोनोपोल और इसकी जो स्ट्रेंथ है जैसे यहाँ चार्ज की स्ट्रेंथ है वैसे हम ये मैग्नेटिक मोनोपोल की स्ट्रेंथ को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं तो ये भी एक तरह का डाइपोल है तो जैसा ये देखा था कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो इसके ऊपर फोर्स तो जीरो होता है अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स नॉन जीरो होता है और इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है सिमिलर टाइप का बिहेवियर जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल में होता है तो जब हम बार मैग्नेट के लिए भी हमें पढ़ना है इसमें बार मैग्नेट के बिहेवियर को भी पढ़ेंगे इस मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिज्म में ओवरऑल हमारे थ्री सेक्शन हैं एक जो है वो है हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट के बाद जो है मैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिज्म अर्थ मैग्नेटिज्म है अर्थ मैग्नेटिज्म ये दो चैप्टर हैं अर्थ मैग्नेटिज्म में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं ये जो है अर्थ मैग्नेटिज्म ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं और स्कोरिंग है इसमें कुछ फिक्स डेफिनेशन है फिक्स फॉर्मुले हैं जिनको याद रखना होगा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कि हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हैं वहां से एक इंस्ट्रूमेंट होता है कंपास नेडिल कंपास नेडिल में भी क्या होता है कंपास नेडिल में भी एक मैग्नेट होता है छोटा सा मैग्नेट होता है वही मैग्नेट जो है वही कंपास नेडिल ओर ने इस मैग्नेटिक वायर के क्लोज में अगर प्लेस किया तो उसमें उन्होंने डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया वो मैग्नेटिक नेडिल जो है वो डिफ्लेक्ट हुई तो उस डिफ्लेक्शन के बेसिस पे इन्होंने कंक्लूड किया कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा और करंट कैरिंग वायर क्या है करंट कैरिंग वायर में कोई ना कोई चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज मूव कर रहा है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगा इससे पहले क्या समझा जाता था इससे पहले यह था कि कोई भी अगर मैग्नेट है जैसे इस टाइप का कोई मैग्नेट है बार मैग्नेट है तो मैग्नेट जो है वो वो मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड अपने सराउंडिंग रीजन में जनरेट करता है किसी भी मैग्नेट के लिए अब करंट कैरिंग वायर का जो फीचर था वो थोड़ा न्यू था कि करंट कैरिंग वायर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होती है मतलब अगर चार्जेस मूव करते हैं तो वो चार्जेस मूविंग चार्जेस के वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है फिर हमारे कई टाइप के मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जैसा पैरा मैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिक ये सारा कुछ है तो पैरा मैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिक मटीरियल्स को स्टडी किया गया और बेसिक फंडामेंटल रीजन जो फंडामेंटल mm, जो रीजन है मैग्नेटिक oh, फील्ड like का जो फंडामेंटल रीजन समझ में आया कि कोई भी मटेरियल अगर मैग्नेटिक मटेरियल है या फिर कोई करंट कैरिंग वायर है जो भी है जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है सारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज है ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज है कि मोशन ऑफ चार्ज जो है एक ही फंडामेंटल रीजन है कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसमें कैसे मोशन ऑफ चार्ज हो रहा है कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उस मैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम में क्या है कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनकी जो स्पिन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो एक कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है एक करेंट कंस्टिट्यूट करेगा और उस करेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा अगर दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट करेंगे और नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो होगी ऐसी प्रॉपर्टी होती है डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक में जो की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करते हैं अपने सराउंडिंग में

कोर में बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो मोल्टन स्टेट में है अब मॉल्टन स्टेट में है तो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है उस रिवोल्यूशन के वजह से वो लिक्विड भी मूव कर रहे हैं जब लिक्विड मूव करता है तो लिक्विड के लेयर्स के बीच में इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स तो उस इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से जो आयंस हैं वो आयोनाइज स्टेट में है जो मेटल्स हैं वो मेटल के आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो मॉल्टन मेटल के आय जब अर्थ के रिव, अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं तो उससे जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है तो फंडामेंटल इतना सारा कुछ का जो की पॉइंट वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो बेसिक सोर्स है वो है मूविंग चार्ज चाहे वो किसी मटेरियल के अंदर रिवॉल्व हो रहा हो या किसी करंट कैरिंग वायर के अराउंड रिवॉल्व हो रहा हो करंट कैरिंग वायर में चार्जेस मूव कर रहे हो या फिर कोई आइसोलेटेड चार्ज मूव कर रहा हो अब एक ऑब्जर्वेशन ये भी था कि जैसे मान लो करेंट कैरिंग वायर के आसपास में कोई भी चार्ज अगर मूव करता है कोई भी चार्ज दूसरा ऑब्जर्वेशन ये हुआ किसी किसी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है तो ये ऑब्जर्व हुआ कि जब ये स्टैटिक है तो ये As उसी point पे है ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है जैसे मान लो यहाँ पे ये वायर है और यहाँ पे ये चार्ज है उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है वो स्टैटिक कंडीशन में बट जैसे ये मूव करता है मूव करने से ये क्या होगा ये डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होता है इसमें तो डिफ्लेक्शन अगर ऑब्जर्व होता है तो हम ये सोचते हैं कि भाई वायर होगा तो वायर के आस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो चार्ज अगर वहां पे एज इट इज होता तो उसपे उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट करना चाहिए था बट अगर वो फोर्स नहीं ऐड कर रहा है तो फिर मूविंग कंडीशन में कौन सा फोर्स आ गया जिसके वजह से ये डिफ्लेक्ट हुआ तो फिर बाद में ये कंक्लूड किया गया कि वो जो है मैग्नेटिक फोर्स जनरेट कर रहा है मूविंग अब ये वायर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं जनरेट कर रहा हो किसी को डाउट होगा कि अच्छा इसमें तो चार्जेस हैं अगर ऐसे पूछा जाए कि वायर के अंदर तो चार्जेस हैं और ये चार्ज मूव कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज करंट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में तो करंट जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है मान लो ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में क्या पॉजिटिव चार्ज सच में मूव करते हैं नहीं पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करते हैं है? तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं बट हम क्या करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज अगर मूव कर रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो इसको जो है फोर्स अप्लाई करना, उपर, करना चाहिए इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना चाहिए चाहे ये चार्ज स्टैटिक कंडीशन में हो या मूविंग कंडीशन में हो तो ये फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है इसका मतलब इसके वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर हम वायर के किसी भी सेगमेंट को देखते हैं तो जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या है पे नेगेटिव चार्जेस भी हैं जितने जो पॉजिटिव चार्ज है वो आयंस की वजह से होंगे और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होंगे तो अगर हम कोई भी वायर है इसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी वैटरी से कुछ कनेक्टेड होगा जो कि ड्राइविंग फोर्स दे रहा होगा इनको तो अगर हम किसी सेगमेंट को देखते हैं वायर के किसी एक सेगमेंट को तो उसमें जो नेट चार्ज है वो हमेशा जीरो है अगर चार्जेस फ्लो करना भी स्टार्ट करते हैं तो पर सेकेंड जितना चार्ज यहां से आउट जा रहा है उतना ही पर सेकेंड चार्ज इन जा रहा है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के वजह से यहाँ पे चार्ज नेट चार्ज हमेशा किसी भी एलिमेंट का जीरो है तो जब कोई भी एलिमेंट करेंट कैरिंग वायर का इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इस वजह से यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट हो रही है तो यहाँ पे ये ये पॉइंट पॉइंट जो है इसमें है कि करंट करंट कैरिंग वायर जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है जिसके वजह से डिफ्लेक्शन स्टार्टिंग में नहीं होता है इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर इज जीरो बिकॉज करंट कैरिंग वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो हमने बताया कि यहाँ पे जो सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है कि हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने हैं तो सोर्सेज में मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से हैं कहीं पे भी बेसिक जो बेसिक है वो क्या है मूविंग चार्ज बेसिक क्या है हमारा मूविंग चार्ज तो ये है मूविंग चार्ज मूविंग चार्ज चार्ज अगर मूव करता है चार्ज अगर मूव करता है तो वो हो जाएगा पहला केस हो जाएगा करंट कैरिंग वायर कोई भी वायर जो है वो करंट कैरिंग है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है या फिर कोई आइसोलेटेड मूविंग चार्ज है या हमारा परमानेंट मैग्नेट है परमानेंट मैग्नेट में भी क्या है वो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं मॉलिकुलर लेवल पे तब तो इसमें एक चीज सोचने वाली बात है इन मैग्नेटिक फील्ड की फ्रेम डिपेंडेंसी की फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर क्या ये डिपेंड करते हैं या नहीं जैसे यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि एक करंट कैरिंग वायर है इस करंट कैरिंग वायर में ये दो ऑब्जर्वर 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 हैं और observer observer जो है वो रेस्ट में है और ऑब्जर्वर टू जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रॉन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा किस स्पीड से जा रहा होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होता है वो वन मिलीमीटर पर सेकेंड के रेंज में होता है बहुत ही स्मॉल होती है तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है मूविंग चार्ज तो जो ऑब्जर्वर O1 है उस ऑब्जर्वर O1 के रिस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेगा ठीक है ये तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेगा क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑब्जर्व करेगा नहीं करेगा है, तो ये कोई नहीं किया. क्या ऑब्जर्वर टू क्वेश्चन ये है कि ऑब्जर्वर टू जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है क्या वो भी मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेगा या नहीं करेगा ये सोच के बताना है थोड़ा सा सोचना है कोई का आंसर कोई भी क्या होगा ये कोई कोई आंसर कोई ट्राई एटलीस्ट क्या होगा इसमें क्या ये मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेगा ऑब्जर्वर क्योंकि हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है मूविंग चार्ज अगर ये मूविंग चार्ज है तो क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड ये ऑब्जर्व कर पाएगा ये जो है ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर टू जो है तो वैसा देखो कि जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो वायर की होगी वो ठीक है ऑब्जर्व करेगा कि कि यहां से अगर हम देखते हैं कि ये करंट कैरिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड वही ऑब्जर्व करेगा जिसके रेस्पेक्ट में चार्ज मूव कर रहा होगा तो यहां पे हम देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो वीडी स्पीड से मूव कर रहा होगा मान लिया कि ये ऑब्जर्वर भी वायर के पैरल वीडी स्पीड से जा रहा है तो हम तो ये जानते हैं कि ये है, मतलब है, है। तो इलेक्ट्रिकली देखेंगे तो इसके साथ, ये तो इसके साथ, साथ ही रेस्ट तो में, तो में होगा इसके रेस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट तो में आ जाएगा बट इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या दिखेगा इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में आ गए बट क्या मूव कर रहा है इसके साथ ये जो है

इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में और करंट भी इसी डायरेक्शन में होगी तो जो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड पहले ऑब्जर्व कर रहा था बाद में भी वही मैग्नेटिक फील्ड ये ऑब्जर्व करेगा क्योंकि ये मूव करना स्टार्ट किया तो नेगेटिव रेस्ट में आ गया बट पॉजिटिव मूविंग कंडीशन में आ गई पॉजिटिव मूविंग कंडीशन में आ गया तो मोशन ऑफ चार्ज हुआ और मोशन ऑफ चार्ज हुआ तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इसीलिए जो दोनों होंगे दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड वायर के वजह से पहला जो हमारा सोर्स है वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड वो फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी मतलब कोई भी ऑब्जर्वर या तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है या रेस्ट में है दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेंगे बट दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे नहीं ऑब्जर्व करेंगे बट अगर कोई आइसोलेटेड मूविंग चार्ज है आइसोलेटेड मूविंग चार्ज है सिर्फ प्लस क्यू जो है ये मूव कर रहा है वी स्पीड से तो यहाँ पे जो रेस्ट वाला ऑब्जर्वर होगा इसके लिए तो वो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेगा बट अगर कोई मूविंग ऑब्जर्वर होगा जो कि सेम स्पीड से मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में तो इसके में में ये रेस्ट आ जाएगा तो रेस्ट में आ जाएगा तो ये स्टैटिक स्टैटिक चार्ज चार्ज होगा और static charge सिर्फ क्या जनरेट करता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जीरो ऑब्जर्व करेगा ये ये क्या ऑब्जर्व करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑब्जर्व करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी ऑब्जर्व करेगा इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज वो जो है फ्रेम के ऊपर डिपेंडेंट होगी तो वो जो है फ्रेम के ऊपर डिपेंडेंट होगी और थर्ड जो हमारा सोर्स था वो सोर्स क्या था बार मैग्नेट तो बार मैग्नेट जनरल जैसे मान लो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है तो अर्थ तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है उसमें चाहे कोई रेस्ट में रहे या मूविंग कंडीशन में रहे वो अफेक्टेड नहीं होगी तो कंक्लूजन हमारा ये है कि जो करेंट कैरिंग वायर की फील्ड है दैट इज फ्रेम इंडिपेंडेंट मूविंग चार्ज की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है और फिर से मैग्नेट की वजह से जो है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्रेम के ऊपर डिपेंड करती है ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है वायर के वजह से कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी और इसके वजह से भी कोई नहीं होगी मैग्नेट uh, के वजह से सिर्फ मूविंग चार्ज के वजह से फ्रेम डिपेंडेंसी होगी आई बात समझ में तो ये यही पॉइंट लिखा हुआ है ये ये जो जो पॉइंट लिखा हुआ है है कि कि फ्रेम डिपेंडेंसी तो हमने देखा सोर्स हमें टोटल इस मैग्नेटिक फील्ड में ये पढ़ना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड के हम बेसिक क्या पढ़ेंगे सोर्स पढ़ेंगे सोर्स मतलब किसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इफेक्ट्स इफेक्ट Effect क्या होता है किसी भी फील्ड का इफेक्ट होता है फोर्स तो हम मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे तो टोटल ये सेक्शन जो है दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट में डिवाइडेड है कि पहला हम सीखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किसके सोर्स से जनरेटेड है वो हमारे सोर्स क्या हुआ करंट कैरिंग वायर हुआ कोई भी मूविंग चार्ज हुआ और कोई भी बार मैग्नेट या मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल हुआ और फिर देखेंगे कि यही जो है कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है

पहला ये हमारा ऑब्जर्वेशन था कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट क्यों हो रहा है और उसकी फ्रेम के ऊपर डिपेंडेंसी क्या है नेक्स्ट हमारा है मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है उसका कैलकुलेशन तो उसका कैलकुलेशन होता है बायोट सेवर्ट लॉ से उसका जो कैलकुलेशन होता है वो होता है बायोट सेवर्ट लॉ बेसिक जो है सेवर्ट लॉ बायोडसवर्ट लॉ जो है वो एम्पेरिकल लॉ है एक्सपेरिमेंटल लॉ है जैसे कि लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है इन्होंने क्या किया था बायोडसवर्ट ने इन्होंने किसी भी करंट एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा था अब करंट एलिमेंट क्या होता है जैसे मान लेते हैं कि हम ये सेक्शन है कोई भी एक वायर का ये कोई एक वायर का सेक्शन है इसके आगे भी वायर है इधर भी वायर है हमने एक सेक्शन लिया है इसमें करंट फ्लो हो रही है इसमें करंट फ्लो हो रही है तो ये एक छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लेंथ है डीएल और इसमें करंट है आई तो हम इस दोनों कंबाइन बोलते हैं क्या है ये करंट एलिमेंट सो आई डीएल इज कॉल्ड करेंट एलिमेंट करेंट एलिमेंट तो करंट जो है करंट एक स्केलर क्वांटिटी है बट करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी पहला पॉइंट करंट एलिमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन किधर होती है उसकी डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में ही होती है अब इस 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 से से अगर कोई point है, इस point से यहां पे r distance पे है, पे पे के respect में पोजिशन वेक्टर पी पोजिशन वेक्टर पी और इसकी जो डिस्टेंस है ये यह से r है और ये जो है एंगल बिटवीन वेक्टर क्या हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर हो जाएगा हमारा ये थीटा एंगल बिटवीन करेंट एलिमेंट एंड पोजिशन वेक्टर जान रहे पोजिशन कहा इस करेंट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में पॉइंट हुआ तो एम्पियवर्ट ने यह बताया था कि इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डी बी मैग्नेटिक फील्डर क्वान्टिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल क्रॉस आर डिडेड बाई आर क्यू ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ड्यू टू करेंट एलिमेंट अब आता है कि व्हाट इज बायोट सवर्ट लॉ तो बायोट सवर्ट लॉ में हम देखते हैं कि जो बायोट सवर्ट लॉ है ऐसे लिखेंगे कि जो dB है dB बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल directly proportional to current element directly proportional to 1 by r square directly proportional to sin थीटा। तो ऐसे जो है ये proportionality को हम रिमूव करते हैं तो ये आ जाएगा अब इसके बाद proportionality remove करते हैं, तो फिर हमारा आ जाता है डी बी इज इक्वल टू जो कांस्टेंट हो जाएगा वो होता है म्यू नॉट बाई फोर पाई और आई डी एल साइन थीटा को हम लिख लेते हैं आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यू तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है कि

म्यू नॉट क्या है तो म्यू नॉट जो है म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू नॉट जो है म्यू नॉट है मैग्नेटिक परमिबिलिटी तो यहाँ पे इसको लिखते हैं जो म्यू नॉट है म्यू नॉट है वो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है ये है मैग्नेटिक परमिबिलिटी मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम फ्री स्पेस ये जो म्यू नॉट है म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है

ये यूनिट है। तो जो फोर की यूनिट क्या हो जाएगी से देखोगे करंट की मीटर और ये भी हो जाएगा मीटर तो ये देखो मीटर मीटर एम्पियर और ये क्या है ये मीटर क्यूब है ये मीटर क्यूब है तो क्या हो जाएगी यूनिट जल्दी से बता सकते हो इसकी यूनिट टेस्ला टेस्ला मीटर पर एम्पियर पाई। कोई अगर और मीडियम होगा तो और मीडियम की जो परमिबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू और इज इक्वल में होता था डायलेक्ट्रिक म्यू आर इज द रिलेटिविटी रिलेटिविटीएबिलिटी रिलेटिविटी ये सारा हो गया तो ये तो हमने मैग्नेट्यूड लिखा अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरह मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसको हम फाइंड करेंगे राइट हैंड थंब रूल से राइट हैंड थंब थंब रूल रूल से rule, या फिर हम उसी को बोलते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट वाले रूल से क्रॉस प्रोडक्ट वाले रूल से तो राइट हैंड थंब रूल थोड़ा सा इजी है कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं कि हम वायर को होल्ड करेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखना वायर को होल्ड करेंगे सो so दैट की उट करता है किस डायरेक्शन में करंट के डायरेक्शन में तो पी पॉइंट पे अगर देखोगे थम्ब को करेंट के लॉन्ग पुट करो और पी पॉइंट पे फिंगर कर्ल करने की कोशिश करो राइट right हैंड की तो जो फिंगर किस सेंस में कर्ल होगा पी पॉइंट पे वो पॉइंट करेगा इन टू द पेन क्या समझ पा रहे हो कि अगर हम वायर को होल्ड करते हैं और थंब के डायरेक्शन में करंट है और हम फिंगर कर्ल करने की कोशिश करते हैं पी पॉइंट पे तो कर्लिंग की डायरेक्शन किधर हो जाएगी इनटू द प्लेन तो अगर इनटू द प्लेन होगा तो इस वही क्या बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है इंटू द प्लेन और इंटू द प्लेन का सिंबल होता है क्रॉस तो ये हो जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटू द प्लेन अगर यही पॉइंट जो है ऐसे होता जैसे मैं वायर अगर यहाँ पे मार्क कर दू ये वायर अगर ऐसे मार्क किया यहाँ तो ये यह था पॉइंट पी यहाँ पे हम वायर के डायरेक्ट करेंट के डायरेक्शन में थंब पॉइंट आउट किया फिंगर कर्ल किया इन टू प्लेन और वही अगर लेफ्ट में देखते क्यू यहाँ पे होता कोई बोलता क्यू पे क्या डायरेक्शन है क्यू पे हम देखेंगे डायरेक्शन कर्ल करेंगे तो फिंगर कर्लिंग की डायरेक्शन क्यू पे क्या आ रही है आउट ऑफ द प्लेन तो यहाँ पे जो है आउट ऑफ द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन का सिंबल है डॉट और ये हो जाएगा आउट ऑफ प्लेन और ये हो जाएगा इन टू द प्लेन इन टू द प्लेन इन टू द प्लेन का सिंबल है क्रॉस तो ऐसे हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे राइट हैंड थंब रूल से वायर को होल्ड करेंगे करंट के डायरेक्शन में थंब होगा और फिंगर के कर्लिंग की जो डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी समझ पाए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा मैं यहां से हाथ वहां हिला तो रहा हूं लेकिन न तुम देख पाओगे न तुम कैसे समझ रहे हो <laughs> वायर को होल्ड करना है तो ये हुआ बायोसेवर्ट लॉ बायोट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट एलिमेंट हो गया डीबी डीबी टू म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यू आर क्या है आर इज द पोजिशन वेक्टर तो अब इसको हम यूज करेंगे और यूज करके जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे अब बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जो मैग्नेटिक फील्ड फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से फाइन किया था वैसा ही बिल्कुल सेम कैलकुलेशन रिपीट होने वाला है, फाइनाइट कैरिंग वायर की वजह से वैसा ही सेम जो है रिपीट होने वाला है फाइनाइट करेंट कैरिंग वायर की वजह से तो थोड़ा सा जो लोग वहां पर थोड़ा बहुत आलस किए होंगे तो उनको यहाँ पे कष्ट होगा जो नहीं किए होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा बिल्कुल कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तुरंत निकालते हैं फाइनाइट करेंट कैरिंग वायर तो उसको करते हैं। डेरिवेशन फिर से इसका डेरिवेशन है नहीं बट इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बट फिर भी डेरिवेशन आना चाहिए क्वेश्चन आ जाएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड तो स्ट्रेट वायर ये है मैग्नेटिक फील्ड ये हमारे स्ट्रेट वायर का सेगमेंट है ये है करंट की डायरेक्शन और यहाँ पे जो है ध्यान से थोड़ा अलर्टनेस का लेवल हाई होना चाहिए ये पॉइंट पी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है और ये जो एंगल है यहाँ से हमने कोई एक करंट एलिमेंट लिया करंट एलिमेंट है आई और यहाँ से ये पोजिशन वैक्टर है और ये पोजिशन वैक्टर है आर यहाँ से डीएल को बेटर है कि इसको डीएक्स लिख लेते हैं लेंथ ही है डी और यहाँ से स्ट्रेट सेगमेंट है यहाँ से हमने मेजर किया है x आई बस समझ में ये क्या है यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ये आ रहा है तो ये एंगल हम लेते हैं कि थीटा पे हमने मेजर किया है हमें एंगल कौन सा लेना है हमें एंगल लेना है करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के लिए तो वेक्टर्स का जो एंगल होता है वो हमेशा हम देखते हैं कैसे टेल टू टेल तो ये करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन में है

डी इज इक्वल टू म्यूनोट बाई फोर पाई म्यूनोट बाई फोर पाई आई डी एल साइन अब एंगल कितना है एंगल कितना लिखेंगे ये फार्मूला लिख लिया फॉर्मूला लिख लिया फार्मूला के बाद थीटा इज वॉट थीटा इज द एंगल बिटवीन करेंट एलिमेंट एंड पोजिशन वैक्टर

अभी बताया कि राइट हैंड थम रूल से हम डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी वायर को होल्ड करेंगे के डायरेक्शन डायरेक्शन में करंट इनटू इनटू द द प्लेन प्लेन तो तो पे है हो जाएगी क्रॉस तो जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट को अगर हम देखेंगे तो सारे क्या कर रहे हैं इनटू द प्लेन ही मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं मतलब सारे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है तो हमें डायरेक्टली एड कर देना है मतलब हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं तो इंटीग्रेशन में ये वायर का जो सेगमेंट है उसका टोटल एंगल

माइनस थीटा टू से लेके प्लस थीटा वन तक टोटल जो है मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी तो ये इक्वेशन हो जाएगा करंट तो सब में सेम है तो कॉमन ले लिया और यहाँ पे इंटीग्रेशन में आएगा इंटीग्रेशन में आ जाएगा डी एक्स और साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई साइन नाइनटी प्लस थीटा साइन नाइनटी प्लस थीटा अगर याद होगा तो वो हो जाता है cos भाला भाला cos theta. Cos theta. और ये हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दोगे एक्स की वैल्यू को तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो से स्क्वायर थीटा होता है अब dx की वैल्यू को भी पुट कर देते हैं dx की वैल्यू को पुट कर देते हैं ठीक है तो ये जो